ये जो बजट आज किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण था, 63 घंटे तो कौमी मेरी धर्म है, लोकसभा में भी आगे इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोलते थे, उस बात के लिए आगे बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट बजट स्पीच मैंने आज तक कही थी कि पूरे देश के माइनस मुश्किल थी, इन सब देखने बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारी को राहत मिलेगी। आज तक जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कोरोना वॉरियर थे, जो उनको वायदा किया था उनको तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है होता पहाड़ निकली दुनिया बजट का निष्कर्ष है, ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पड़ा बजट की तरह, तो मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट बीच भी विजन कोई दो कोई विजन नहीं है, सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफर्स फिगर्स तो कंफ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 वो एम्प्लॉयमेंट मिली है, लेकिन वो कहाँ गई बात हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन जैसे मैंने कहा नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100, तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद 3100 BJP का था, 2,250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है, महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा है। बजट आया और ये भी जो बहुत दावा किया गया कि इतना बजट बढ़ा के दे दिया हमने, ये इन्फ्लेटेड बजट है। जब अगले साल बजट आएगा असली आ जाएगी, जैसे पिछली बार हर बारी आती रही, तो इन्फ्लेटेड बजट जो है वो प्रदेश के हित में नहीं होता। खाली बजट स्पीच में ताली बजवा दो और चले जाओ, उससे आम आदमी यानी राहत किसी को नहीं दी गई, किसान को, गरीब आदमी को, ना खिलाड़ियों के लिए कोई प्रावधान किया गया, ना खिलाड़ी बात जरूर कही, बात सबके लिए कही, लेकिन राहत किसी को नहीं दी। जो और जैसे पंजाब ने बहुत सारे राहतें दी हैं और जगह बहुत दी हैं, लेकिन है एम्प्लॉइज की कोई वो नहीं। अब ये जो JJP का तो वायदा था पंजाब का, वो देंगे हम पंजाब के बराबर, उसका खर्चा ही नहीं है। तो एक ही बात कह सकता हूं मैं, बजट जो है निरस निराशाजनक और जो आशा थी वो निराशा बदल दी। लोगों की थी भाई कोरोना से निकले हैं, अभी अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, किसानों किसान वहां पर बैठा है अपने दिल्ली बॉर्डर पर। तो एक आपके माध्यम से मैं आपने सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि जैसे अखबारों में खबर आती है कि कोई अपनी खड़ी फसल चला रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरा ये है कि किसान ये काम ना करे, इससे देश का नुकसान होता है, बड़ी फसल बच्चे की तरह की ना जाए।
आंदोलन शांति प्रिय ढंग से सबका अधिकार है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन स्वयं का भी नुकसान करें, देश का भी नुकसान करें।